इस तरह आज हम बना रहे हैं हिमाचली रेसिपी अरबी की बेडवा। और चूल्हे में बनाऊंगी, चूल्हा मैं पहले ही जला के चली गई थी। और सुबह सुबह का टाइम है, इतनी ठंड हो रही है ना, धुंध इतनी ज्यादा हो रही है, वो देखो वहाँ पे। ओह, ये मेरी माता है, राम राम, राम राम जी। और वो देखो कितनी धुंध पड़ रही है। और चूल्हा मैंने जला लिया है, तो उसके लिए कोयले चाहिए होते हैं ना, मिक्स मक्की और चावल का आटा, और एक हमारे होता है मंडल, उसका आटा, उसमें हमने अरबी की बेडवा बनानी है। देखो इसका त्रिशूल, इसको टॉयज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो देखिए अब यहाँ पे बनाते हैं। तीखा है, अच्छा तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है आजकल तो भाई। अरबी की अरबी को मैंने उबाल लिया है, इसमें हरा धनिया, हरा लहसुन, प्याज और नमक जो भी है मसाला सारा डाले, इसको अब मिक्स करेंगे। और ये आटा भी मैंने ले लिया है, आग भी मैंने जला ली है। और पॉपकॉर्न नहीं, इसको रख दे, वो गिलहरी खाती रहेगी साइड में, नहीं तो वो हमारे पौधे खा जाती है, यहाँ से ना कुछ जो है यहाँ पे वो कबाड़ा कर जाती है। और ये देखिए मिर्ची, देखिए आप कितनी बड़ी लगी हुई है मिर्चियाँ, ये देखो कितनी अच्छी मिर्चियाँ लगी है ना। तो आज तुम्हारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट पार्ट देख ले, सब्सक्राइब तो बनता ही है, बाय। वाओ, तो उसको मैं तुम चैनल, ये देखो आज हम बना रहे हैं ये अरबी की बेडवा, और आज हम की बेड बना रहे हैं। हां, बेडवा बना रहे हैं। और ये देखो हम ना तब तो हमने अपना धो लिया है एमी, और मेरे मुंह से देखो धुआं निकल रहा है, ये देखो इसके मुंह से भी निकल रहा है। अपना त्रिशूल दिखा दे बोले का। दोस्तों ये देखो बाल भी आती है इसे, पर ये आधे से बहुत पहला है, तिखा है। ये हमारा पहाड़ी बच्चा है, बिल्कुल कुछ शुद्ध पहाड़ी बोल देता है कई बार क्योंकि हम सब घर में पहाड़ी बोलते हैं, मडियाली, तो ये भी मडियाली बोल देता है ना बुआ। तो हुआ है मेरा तो। इसको तीन भाषा आती है अभी तक तो, एक मडियाली, दूसरी पंजाबी, तीसरी हिंदी। ये बीच में ना पंजाबी स्कूल में पढ़ता है ना इधर, यहाँ इसका स्कूल है, तो वहाँ पे पंजाबी बच्चे ज़्यादा होते हैं ना, तो ये बीच में पंजाबी भी बोलता है। तो अभी तीन भाषा, एक भाषा इसको और आएगी इंग्लिश, है ना, इंग्लिश आती है तुझे? हाँ बोलता है इंग्लिश, तब तो यार तेरी और भाषा हो गई फिर तो, चार भाषा हो गई। मैनू क्या चाहिए तेनू, की चाहिए था तेन? बोलना जरा पंजाबी, बोलता जरा, बोल तो सही, हमारे साथ बोलता है कई बार पंजाबी, तो इस चलो बोलो। एक मिनट रुक जा, तो ये मैंने बोलो, तो अब ये जो है आटा है इसको सादेंगे बहुत अच्छे से। और मेन जो काम होता है ना इसी का होता है, आटे का, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया है, तो अब ये सादना है अच्छे से हमने। तो ये देखिए जी कटोरी अब मैंने बना ली है इसकी, अब इसमें डालेंगे हम अपना ये अरबी का मिक्सचर, थोड़ा सा डालेंगे सूखा आटा और इसको इस तरह से बंद कर देंगे। ये देखिए कुछ लोग इसको गेहूं के आटे में भी बनाते हैं, पर ये जो तरीका है हमारा बहुत ज़्यादा पुराना है, ट्रेडिशनल तरीका है ये। तो ये देखिए ये बन गया, इसमें थोड़ा सा सूखा आटा इस तरह से लगा लेंगे और इस तरह से देखिए, बहुत ही अच्छी रोटी, टेस्टी बहुत ज़्यादा होती है ये, ऐसे बनाएंगे अब इसको। तो ये देखिए बन गई हमारी, इसको रख देंगे तवे में और पकने देंगे, तब तक दूसरी रोटी अपनी बना लेंगे। इसमें नहीं होती, जितना ज़्यादा आप मक्की या जैसे चावल का आटा ना उसको साथ देंगे,
मतलब मिक्स करेंगे तो उतनी ही अच्छी रोटी बनती है। जैसे कि नाम से ही पता है इसका कि साधना बोलते हैं, साधना, तो वैसे ही बोलो। ये देखो जी बन रही है अब रोटी, है ना। हाँ जी बुआ जी, कैसी है? टेस्टी है, यम। और इधर मक्खन बना रहे हैं ना, ये मक्खन बन नहीं रहा है इनका, तो ये दिल्ली जाके सब कुछ भूल चुके हैं, है ना जी। भूल गए बुआ जी, भूल गए हैं ना मक्खन बनाना, इतनी देर से बना रहे हैं, ये पता नहीं कब को बनेगा, यानी आज भी बनने वाला नहीं है लगता है। तो चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई एमी, एमी ने देखी है जी पूरी रोटी खाली, बस इतनी बची है। कैसी है बुआ? यम्मी। और इधर मक्खन अभी बना भी नहीं है, मेरी रोटियां देखिए पूरी बन गई, और दो इधर बची है, दो यहाँ पे बची है। तो अब हमारी देखिए रोटियां बन चुकी है, और ये घी वाली बना रही हूँ मैं बेटे के लिए, तो इसमें अब ये दो तीन रोटियां घी वाली बनाऊंगी। एक रोटी एमी ने पूरी फिनिश कर दी। तो जी अब धूप बहुत अच्छी लग चुकी है जब तक हमारी रोटियां बनी, और अब जो है गर्मा गर्म देखिए चाय के साथ अब हम, ये मेरा कप है, हाँ ये एमी का कप है, ये रोटी खाएंगे घी के साथ। हाँ दोस्तों ये देखिए, चलिए जी आप भी आ जाइए, ये देखिए कितनी अच्छी हमारी ये रोटी बनी है, पास से दिखाओ, और ये देखिए इस तरह से ये फीलिंग होती है इसमें, और बहुत ही टेस्टी लगती है, है ना। और दोस्तों इस अंदर चिकन भी है, चिकन। और बस आज की वीडियो का कर देते हैं हम यहीं पे एंड, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। हाँ। तो आज पार कर दें, बाय बाय, और तो आप दोबारा नेक्स्ट वीडियो देखने तब तक बाय बाय, सब्सक्राइब भी करें, चैनल को बाय।